अरे सोनी, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हारे पापा अभी आ जाएंगे। अच्छा, क्या बोला था उन्होंने? इस कदर परेशान क्यों कर रही हो? सुबह से तुम यहाँ पर ही खड़ी हो, तुमने कुछ खाना भी नहीं खाया। मम्मा, पापा ने मुझे खुद बोला था मेरे लिए वो घोड़ा लेके आएंगे। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं खाना। जब तक पापा नहीं आ जाते मैं यहाँ पर ही रहूंगी, कुछ नहीं खाऊंगी। पापा ने मुझे कहा था कि वो बहुत जल्द मेरे लिए घोड़ा लेके आएंगे, लेकिन अब तक नहीं लाए। मुझे किसी से बात नहीं करनी। आप जाए यहाँ से, जाए यहाँ से। अच्छा मेरी प्यारी बेटी, तुम परेशान मत हो, अभी तुम्हारे पापा आ जाएंगे। पता नहीं मंटू कहाँ रह गए हैं, उन्हें मालूम भी नहीं कि सोनी किस कदर परेशान हो रही है। अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम मेरा इंतजार कर ही होगी, उसे मालूम भी नहीं कि उसके लिए कितना प्यारा घोड़ा लेके आया हूँ। वो तो बहुत खुश होगी। मैं जल्दी से आप इस घोड़े को घर ले जाता हूँ। चलो चलो मेरे प्यारे घोड़े, चलो मैं तुम्हें घर ले जाता हूँ। तुम कितने प्यारे हो, कितने प्यारे हो। मेरी बेटी तो तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी, और तुम्हारे बाल भी कितने प्यारे हैं, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर में लेके जाना चाहता हूँ। मेरी बेटी तो तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो तो कब से कह रही थी कि मुझे घोड़ा चाहिए, घोड़े की राइड लेना उसे बहुत पसंद है, मेरा प्यारा घोड़ा। ये मंटू घोड़े को प्यार करना शुरू कर देता है। चलो मैं इसके ऊपर बैठ कर घर चला जाता हूँ, सोनी मेरा इंतजार कर रही होगी। इसके बाद मंटू घोड़े के ऊपर बैठने की कोशिश करता है। चलो मेरे घोड़े, चलो मेरे घोड़े। अरे अरे अरे, ये मुझे गिरा ना दे, गिरा ना दे। अरे अरे, मैं तो घोड़े के ऊपर बैठ गया, घोड़े के ऊपर बैठ गया। तुम मुझे गिराना मत। चलो चलो चलो, मैं सोनी को सरप्राइज देना चाहता हूँ। मंटू के घोड़े के ऊपर बैठते ही घोड़ा छलांगे लगाना शुरू कर देता है। मुझे तो गिरा देगा। अरे अरे अरे, ये तो बहुत जोर जोर से छलांगे लगा रहा है। अरे आराम से, आराम से, क्या हो गया है तुम्हें? इसी से पकड़ लेता हूँ, अब ये छलांगे नहीं लगा रहा। चलो घोड़े, घोड़े प्यारे घोड़े, चलो आगे चलो। इसके बाद घोड़ा चलना शुरू कर देता है। आराम से चलो, आराम से, मुझे गिराना मत। मैंने तुमसे कहा था ना मेरी प्यारी बेटी, मैं बहुत जल्द तुम्हारे लिए घोड़ा लेके आऊंगा, क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हें घोड़े बहुत पसंद हैं। देखो देखो, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा घोड़ा लेके आया हूँ। पापा, ये तो बहुत प्यारा घोड़ा है, इसके बोल कितने प्यारे हैं, कितने प्यारे हैं। पापा, मुझे भी इस घोड़े के ऊपर बैठना है, प्लीज प्लीज उतरिए ना, मुझे भी बैठना है। ये घोड़ा अभी तुम्हारा दोस्त बनेगा, इसके बाद ही तुम इसके ऊपर बैठना, वरना ये तो तुम्हें गिरा देगा। ये देखो, मैं बड़ी मुश्किल से इसके ऊपर बैठा हूँ, वरना ये तो छलांगे लगा रहा था। इसके बाद घोड़ा पीछे से सोनी को टांग मार देता है। घोड़े ने तो मुझे टांग मार दी, मुझे टांग मार दी। पापा, मुझे इस घोड़े के ऊपर नहीं बैठना, नहीं बैठना, नहीं बैठना। इतनी जोर से मुझे टांग मारी है। सोनी की मम्मा भागते हुए अपनी बेटी के पास आती हैं। सोनी सोनी, क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हें? मम्मा, पापा ने मुझे मना किया था ना कि मैं घोड़े के पास ना जाऊं, और मैं घोड़े के पास चली गई। उसने मुझे इतने जोर से टांग मारी, मैं क्या बताऊं आपको। मुझे घोड़े के पास नहीं जाना, मैं तो इतना इंतजार कर रही थी घोड़े का, लेकिन घोड़े ने तो मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मुझे नहीं बात करनी घोड़े से, नहीं करनी। अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम तो नाराज ही हो गई हो। अभी हमारा दोस्त बनेगा ना, इसके बाद तुम इस घोड़े के ऊपर बैठ जाना, ठीक है ना? ठीक है। अरे सोनी भी ना पहले जिद कर रही थी कि घोड़ा लेके आओ, घोड़ा लेके आओ। अब इसने इसे टांग क्या मारी, वो तो नाराज ही हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, ये घोड़ा बहुत जल्द सोनी का दोस्त बन जाएगा। अरे मेरा पाँव तो फंस गया था। अब मैं जल्दी से घोड़े से उठ जाता हूँ। बच्चों, इस वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।